ये देखिए थोड़ा सा घुराई ना मुझे, इस बात का भी ख्याल रखना है जब भी इसी तरह की गेम्स आप लोग खेलो। डेयरी इंडस्ट्री को लोग गालियां क्यों देते हैं? दूध पीना बुराई नहीं है। हमारी जो भारतीय गौशाला है उनकी हालत बहुत बुरी, बड़े होते होते छोटे जो होते हैं ना वो खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन मालिक तो इस पॉइंट के बाद हमारी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई है। हॉस्पिटल में मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं, उनको पता चल गया है कि कुछ बुरा हुआ है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के समय से, धूप लगी हुई है और नूरी के साथ मैं खेल रहा हूँ। ये नूरी के लिए प्रिया ने एक टॉय तैयार किया था और उसी के साथ इसको हम खिलाएंगे अभी, और इसको मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको, ये इसके साथ खेलना। पकड़ो 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 पकड़ो, आओ आओ। ओए ओए, नूरी जंप लगा रही है, एथलेटिक होना चाहिए डॉग। ये सब चीज़ें भी आप अपने डॉग्स को सिखाया करिए और अच्छा रहता है, बॉडी वो वर्कआउट हो जाता है डॉग्स का। ओ पकड़ लिया पकड़ लिया, ओ देखो ओ देखो ओ दे, जोर जोर लगाओ जोर, हाँ 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 हाँ, नूरी नूरी नूरी। ओ देखिए मिष्टी, मिष्टी डरती बहुत है इन सब चीज़ों से, और तभी देखिए तुरंत अंदर चली गई वो। ओ लेकिन ये देखिए ये देखिए ये देखिए, थोड़ा ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बच्ची है, दांत भी निकल सकते हैं, तो जब भी आप खेलें ये भी ख्याल रखिए। और ये देखिए हमारे शिमले वाले भाई साहब धूप में बैठे हुए हैं, ठंडी से निजात पा रहे हैं। ओ दो ओ दो, ये देखिए थोड़ा सा घुराई ना मुझे, इस बात का भी ख्याल रखना है जब भी इसी तरह की गेम्स आप लोग खेलो, तो वरना क्या होता है कि डॉग्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए। आपको तो शायद कुछ नहीं कहेंगे कोई और, अगर हाँ चली गई अंदर की, हाँ मैं ये कह रहा था आपको तो कुछ नहीं कहेंगे शायद, लेकिन बच्चों को या किसी और को कोई इनकी वो चीज़ उठाने की कोशिश करेगा तो उनको ये चोट पहुँचा सकते हैं, तो इस बात का मतलब ख्याल रखें, और कोई बात नहीं। और वैसे भी हमारी एक दोस्त है, उनको डेंगू हो गया था, फिर वो ठीक हो गई, अब घर आ चुकी हैं। उनके लिए प्रेयर भी की थी मैंने वो गुरुद्वारे वाले व्लॉग में, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपकी नूरी बिगड़ जाएगी, दावे के साथ कहा है उन्होंने कि खैर ये मतलब पंखे तो करती है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि बिगड़े ना, तो मैंने उनको कहा था कि नहीं बिगड़ने देंगे। खैर कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो हम अपनी नूरी के साथ खेलेंगे। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए, धीरे धीरे, ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे। ओ दे, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है हमारी नूरी। नूरू ओ नूरिया, चलो चलो, वो देखी। चलिए अब इसको बैठने देते हैं, आराम करने देते हैं इनको। और दोस्तों ये देखिए रोड, मेन रोड, खूबसूरती गांव की, और इस खूबसूरती के पीछे एक दुखदाई आपको चीज़ भी दिखाते हैं। वो देखिए, वो माँ और बच्चा दोनों अबैंडन कर दिए गए हैं, किसी ने दूध पी के मतलब निकाली और छोड़ दिया। आपको पास जाकर दिखाता हूँ मैं अच्छी तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये वाले भाई साहब जो पीछे हैं, ये तो खैर यहीं पे घूमते रहते हैं, इनको मैंने पहले भी देखा, ये भी किसी के द्वारा छोड़े गए हैं, बछड़ा है ये। और ये देखिए दोस्तों, नन्हा सा है ये बच्चा अभी, वो देखिए कितना छोटा। पापा ने सुबह इनको हरा चारा डाला था तो मुझे बताया कि बाहर ही है वो, तो मैंने देखा अभी तो बाहर ही थे, तो देखिए कितना छोटा है। वो देखिए माँ उसकी आ गई, शायद मैं उसे कुछ कह तो नहीं रहा, नहीं माता जी कुछ नहीं कह रहा आपके बच्चे को। तो खैर दोस्तों ये देखिए, ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, ये चीज़ें बढ़ रही हैं हमारे देश में कि दूध पी लिया और छोड़ दिया। डेयरी इंडस्ट्री को लोग गालियाँ क्यों देते हैं? दूध पीना बुराई नहीं है, बुराई ये है। बड़े बड़े डेयरी वालों को तो छोड़िए, अब गाँव में भी इसी तरह से होता है, लोग पकड़ लेते हैं गायों को फिर छोड़ देना बछड़ों को। वैसे ही इन दिनों में ना लोगों के बछड़े बहुत मरते हैं, बहुत मरते हैं, कह देंगे ये बुखार हो गया, वो हो गया, फलाना ढींगड़ा, ये नहीं कहते कि दूध नहीं पिलाते, केयर नहीं करते, छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो यही सब हो रहा है दोस्तों, बहुत बुरा है ये। तो अभी भाई साहब को हम खाना देंगे, थोड़ी सी रोटी है वही देंगे इनको, और खैर मेरा कुछ जाएगा नहीं, एक दो रोटी देने से आटा नहीं ख़त्म हो जाएगा मेरा, या मेरे पैसे नहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो आप भी इसी तरह से, ज़रूरी नहीं सिर्फ डॉग्स को, एनिमल्स कोई भी एनिमल हो, सबकी मदद कीजिए, सबको खाना दीजिए इसी तरह से। और वैसे सुबह इनको पापा ने जैसे मैंने बताया चारा दिया था, लेकिन खैर मैं भी खिला देता हूँ, मैंने सोचा। छोटा सा है दोस्तों, साल का नहीं, महीनों की बात है, महीने भर का। वो देखिए महीनों का ही है मेरा मतलब, हाँ कुछ महीनों का ही है ये। और वो बाकी भी पास में एक माँ और बेटी की और जोड़ी है, वो दूसरी ओर खड़े हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए, मैं वीडियो बना रहा था तो इसकी माँ तुरंत आ गई कि बच्चे को कुछ करे ना। वो देखिए माँ बेटी की एक और जोड़ी है, वो देखिए बैल,
अगर इन भाई साहब की किस्मत अच्छी रही, ज़िंदगी इनकी निकल गई, तो ये उन्हीं की तरह बन जाएंगे, वो बड़ा सा बैल था जो। तो खैर दोस्तों, शिकवे तो बहुत हैं समाज से, अगर सारी बातें मैं बोलूँगा तो अबैंडन ना हो जाए मेरा चैनल खुद का ही। खैर कठिन है। और दोस्तों, अगर आप लोग ये कहेंगे कि इनको गौशालाओं में भेज दो भाई साहब, तो हमारी जो भारतीय गौशालाएँ हैं उनकी हालत पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, बहुत बुरी। कुछ चंद गौशालाओं को अगर हम लोग छोड़ दें तो वही ठीक है, क्योंकि सारी फंड्स के ऊपर चलती हैं, फंड्स आता है उसी के ऊपर चलती हैं। और आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आपका जो बिजली का बिल होता है उसमें भी काउसेस होता है। काउसेस का मतलब है कि इनके भलाई के लिए जो कार्य होता है उसके चंदा। और सिर्फ बिजली का बिल नहीं, जो ऑटोमोबाइल्स या और कुछ आप लोग चीज़ें खरीदते हैं उनमें ये सब होता है, तो कभी चेक कीजिएगा। और खैर, जो मैंने बातें बताई हैं वो बुरी लगेंगी कुछ लोगों को, लेकिन वो एक सच्चाई भी है। तो दोस्तों, अभी शेड में आया हूँ मैं, यहाँ पे जो काम है थोड़ा बहुत वो करेंगे। थोड़ा ही था गोबर, इसलिए इस तरह से उठा रहा हूँ मैं, वरना लोग कहेंगे कि हाथों से क्यों नहीं उठा रहा, ये भी बोलते हैं सब। पानी पिला देते हैं इनको अभी। ओए जैक्स, प्रसाद गिरा दिया, पहले गोलू को पिला देते हैं। ना गोलू, यो पानी भाई साहब। जैक्स, जग्गू यार, है हाँ जी भाई साहब, पी लिया पानी बस। तो अभी हमारी शांति भैंसिया पानी पी रही है, आराम आराम से पीती हैं ये। और इनकी दूसरी साइड देखिए कौन है, ये हैं जैला जी, जैलदार, जैलदार जैला। ये भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसकी भी बॉन्डिंग मेरे साथ इंक्रीज़ हो रही है। बड़े होते होते छोटे जो होते हैं ना, वो ख़तरनाक हो जाते हैं, लेकिन मालिक के साथ अच्छी दोस्ती होती। खैर असली मालिक तो इनके पापा हैं, लेकिन हमारे साथ भी दोस्ती हो रही है इनकी। बस लाओ जलिया पीला। ये शरारती बहुत है, थोड़ी भी नज़र अगर घुमाएंगे सारा पानी ये गिरा देगा यहीं। तो अभी भाई साहब को पानी नहीं पीना, इतना ही पीना, ड्रामे कर रहा है अभी। और अभी बारी है, अभी बारी है, अभी किसकी बारी है, इधर से, इधर से हमारे जैक्स की। जग्गू ये देखिए, लोग में मतलब काफ़ी समय के बाद दिखा रहा हूँ मैं, तो नए व्यूअर्स को भी एक बार दोबारा बता देते हैं कि भाई साहब खुद पानी पीना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए खुद ही पी रहे हैं पानी, इतना समय बोतल से पीते रहे हैं पानी, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने पीना, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और ये देखिए दोस्तों, पराली जो लेके आए थे, देखिए गर्म हो जाता है, पूरी शेड में हमने ऐसे इस तरह से ऊपर लगा दिए, बढ़िया तरीके से ये इनके झरोखे तैयार हो गए हैं, अच्छी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जो थोड़े बहुत रहते हैं फ्रंट वाली साइड में वो भी पूरे कर देंगे जल्दी। जग्गे को ठंड नहीं लगनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है जैक्स। हाँ जी बस, तो दोस्तों अभी कुछ बनाया जा रहा है, तो आप लोग बताइए ये क्या चीज़ है। इसमें नमक मिर्ची भरी जाएगी अच्छी तरह से, हिमाचल और पंजाब के लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने व्लॉग्स में पहले भी कई बार बताया, लेकिन हर बार मैक्सिमम लोग गलत ही बताते हैं, जवाब भी दिए मैंने, ये देखिए ये है वो पौधा। और हिमाचली पंजाबी लोग अच्छी तरह से जानेंगे इसको, अच्छी तरह से मिर्ची वगैरह लगा कर अच्छी तरह से भर के खाया जाता है। वो देखिए टाइसन महाशय, इसको बस इसी तरह से कोई चीज़ चाहिए ऊपर बैठ जाना होता। और नूरी और मिष्टी वैसे एक्साइटेड हैं कि पता नहीं क्या है, नूरी को तो कुछ भी दे दो बस खाने लगती है, लेकिन खैर इनके हम नहीं देंगे, इनके लिए अच्छा नहीं है ये सब। एक्साइटेड है दोनों। और टाइसन महाशय भी बैठे हुए हैं हमारे, देख रहे हैं। और मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि इनकी डाइट क्या है। देखिए हम अपनी डॉग्स को जो डाइट है कुछ अलग नहीं देते, ह्यूमन डाइट देते हैं,
सिर्फ मीठा और मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए उसमें। और नूरी ऊपर बैठ चुकी है जगह बनाकर अपनी कि मुझे भी बैठना है सभी के साथ। तो नूरी बैठी हुई है, टाइसन महाशय भी गुमसुम है अपनी ही कहीं दुनिया में खोए हुए हैं टाइसन महाशय। हाँ जी नूरी, नूरू क्या चाहिए? तो तैयार है दोस्तों, टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। और दोस्तों इस पॉइंट के बाद हमारी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई। एक दोस्तों इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ, मम्मी के साथ हूँ दोस्तों। सुबह सुबह आज एक ट्रेजेडी होगी, मम्मी का अंगूठे के जो ऊपरला अपर पार्ट होता है ना वो कट गया। मिक्सी में मशीन में ये मसाले पीस रहे थे, तो मम्मी आपको ऐसे दिख रहा है कि बैठे हुए हैं लेकिन दोस्तों अलग हो चुका है, वो आधे से लटका हुआ था साथ में। खैर अभी मम्मी की सर्जरी है, मेरे मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो अभी भी इतनी हिम्मत से बैठे हुए हैं। और दोस्तों हॉस्पिटल में मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये मुझे पता है कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। और मम्मी की सर्जरी हो चुकी है और अभी आपको दिखाते हैं, उसी ओर चलते हैं। और दोस्तों मम्मी का ये अंगूठा, इसमें टांके लगे हैं, एक वायर भी डली है बीच में छोटी। तो अभी दोस्तों घर पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर पहले पहुँचे हैं। तो प्रिया मम्मी के हाथ की सफाई कर रही है, अच्छी तरह से सफाई हो रही है। और मिष्टी भी बड़े ध्यान से देख रही कि मम्मी को कुछ हुआ है। इन्हें पता चल चुका है ये आसपास ही घूम रहे हैं तब के, तीनों टाइसन नूरी मिष्टी। तो कुछ ही देर पहले पहुँचे थे हम लोग, जैसे मैंने बताया कि टंके लगे हैं और वायर भी इसी में डाली गई है। थोड़ा आराम ना, ध्यान ना करी। और दोस्तों ये देखिए, इनको पता है कि कुछ हुआ है, नूरी भी यहीं पर है, टाइसन भी यहीं पर है। और तब से मम्मी के आसपास घूम रहे, कोई पंगे नहीं कर रही है लोग। इनको पता चल गया है कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ हुआ है। एनिमल्स में ये मतलब एक तरह की पावर होती है, इनमें सेंसेस होते हैं, ये इनको भनक हो जाती है कि कुछ हुआ है अपने मेम्बर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरह से बैठे हुए हैं ये, बस तब से इसी तरह से बैठे हुए हैं। खैर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अपडेट देना भी आप लोगों को ज़रूरी है, वरना आगे व्लॉग्स में आप लोग पूछोगे कि क्या हुआ। तो खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखें आप लोग भी। मिलते हैं अगली बार, अब इस दुख की घड़ी में हमें निकलना तो पड़ेगा ही। मिलते हैं अगली बार।